क्या क्रियाक्रम अब देखना कार्यक्रम, क्योंकि बुरा वक्त चल गया है, अच्छा समय आ गया है। ने बाजे ये बाजे बढ़ा दे खूब भैया, समय रात बिल्ली फिल्म बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भैया राय वालों के लिए, केवल ए लल्ला ए, केवल मैं यही दिखाना चाहता था रैली काका जी। पहला नंबर आपने कहा कि चौकड़िया रसिया होना चाहिए, हाँ तो ये चौकड़िया रसिया गा रहे थे? बिल्कुल नहीं, बिलू फिल्म बना रहे थे। ये चौकड़िया रसिया नहीं है जो तुम गा रहे हो? जानकारी नहीं, बच्चे हैं खाने का मान दो, बच्चे हैं आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, पंजी दिखा के गुजारा कर रहे हैं। तुम कहीं गा रहे हो और तुम्हारे साथी कलाकार कहीं गा रहा है, बाजा कहीं बज रहा है। ये कमला सर्कस है इनका, कमला सर्कस। चलिए जैसा, अरे रुको तो सही भैया, अरे देंगे तेल फिर तो लगा लेंगे यार, पूरा हो तो का है बड़ी जल्दी पड़ रही है पूरे लेवे की यार, पूरी जगह का नहीं करो भाई साहब। एक मैंने छंद दिया, उसमें मैंने जानवरों के नाम घटाए थे, तो मैंने अलग अलग तरीका से जानवरों के नाम घटाए और मुहावरे घटाए जी, और तुम मुहावरे ला रहे हो। दो दफे तो तुम्हारा कुत्ता आ गया है, ये बैठा है। ओहो बेटे कुत्ता को दो बार तुम्हारी कविता में रामू भाई, दो बार कुत्ता आ चुका है। अब तीसरा कुत्ता देख, छंद नहीं लड़ा है मेरा? नहीं बिल्कुल नहीं। और मैंने ये गीत गाया था, आप लोग स्वयं निवेदन निर्णय करना है आप लोगों को, चल सन्यासी मंदिर में कोई जवाब आयो भैया? अरे जवाब तो बहुत है, दोनों आए कभी, हाथ उठा के बतायो आयो भैया, कोई जवाब नहीं आया। बस भैया जानता मैंने कहा कही, क्योंकि अपनी बदतमीजी का परिचय देंगे 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 देंगे, क्योंकि इनको इसके सिवा दूसरी बात ये जानते नहीं है, ये नंग नाच ही जानते, कुछ नहीं जानते, इनका खानदान ही ऐसा है। एक केवल इतनी बात जानते हैं कि तेरी जब पिछपे सारा देखो पूरन मलो, अपनी मौसी तो कह रहे हो बारे मौसी, बारे कलियों की पूरन मल, बारे मौसी के बेटा तुम्हें मार, रुक जा बेटा रुक जा, पूरन मल कह रहे हो कि जाकी पिछपे घास खड़ो चौका छक्का मारेगो, जब चौका छक्का मार रहे हो तो क्या मौसी के मैं पेल दे चुना फिर बच बच का कुश्ती लड़ रहे हो, हमें हमें कह दे पहले न शांत प्रिय रह जाने का बोलते बीच में। हाँ साहब ये तुम्हारा गाना बजाना नहीं है, और हमसे कल परसों के ये भाई साहब कह रहे हैं जो पेंट शर्ट पहरे हुए हैं अखिलेश भैया, क्या मुकेश भैया जब तुम्हारी फटते है तो हम ते चुगा, तो एक सुन पीछे कर, न तेरे बाप से फटी हमारी, न तेरे बाप से फटी, न तेरे दादा से हमारी फटी, और तू कल परसों का लौंडरा, तू कह रहा है कि 10 बजे तक दंगल, अगर तेरी माँ ने दूध पियाया हो तो शाम के 4 बजे तक दंगल लगा ले यहाँ पे। तू क्या गाने वाला, तेरे मुंह में से आवाज नहीं निकलती है, तीसरे सुर का तू गाने वाला है, और मंच पे इतनी बड़ी तान तोड़ता है
सब कलाकारों को तू फैली मानता है, और तुम कह दे तो क्या कि बदतमीजी को जवाब क्या नंबर पे दे दू भैया, और हर बात का जवाब तेरी का माकूल जवाब देगा मुकेश, तेरी तरह मोहचौदी नहीं करेगा मंच पे, हर बात का माकूल जवाब। जो लड़की आई नहीं बुलाई गई है, ये इतना 100 ग्राम की अगर लात रख दी तो कच्चे खांच रख बताएगी। आई नहीं बुलाई गई है, बहुत ऊंचा से नलकाई गई है। अरे नहीं मिलती ऐसे मॉडल के गाने वाली, क्यों जी? ऑर्डर देके बनवाई गई है। कैसे? अरे मालूम पड़ गई शैतान नकी, मालूम पड़ गई शैतान नकी, अरे इनमें असल बाप को अंश नहीं, बाप को अंश नहीं। ओ बाबा लोई मारे हो ना, बैठ गए हाथ जोड़वा लो, पैर छुपा लो, देखो बेगन पड़ता है गाने में। हाँ आपको तो आशीर्वाद चाहिए बड़े बूढ़े ने को। हाँ जी, अरे असले बाप को अंश नहीं, और जैसे ये बार बार कह रहे हैं क्या
मुहावरा सही हो तो तालियां जरूर बजाना आप भी। अरे असल बाप को अंश नहीं और चाहे जाके कितनी उखड़िया पोतो और जे कौआ बन सकता अंश नहीं। की भैया रवानी है आज केसर कड़ी के बैठे हुए जा
जलवा दिखा के जाऊंगी और इन नए नए लौड़न की चले का बावन अपनों बनाएगी। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब जवाब में, रसियन में तू आई है तेरी बात को जवाब सुने। जब तू ऐसो ही नंग नाच चाहतो तो नंग नाच ही देख। क्या रसियन में तू आई है, अरे रसियन में तू आई है और यहाँ सब कुछ तू से जाएगी, सब कुछ तू से के जाएगी, सब कुछ तू से के जाएगी और पावन दे कर अटकेगी गोद में एक लल्ला लेके। सही है कहना है भैया, बाबा कमजोर थोड़ी है, वो पहली कह रहा है रैली काका बड़ी बाबा ही बाबा कह रही है, वो पहली कह रहा है क्या क्या कि हनी प्रीत की चेली है बाबा आसाराम को चेला है। तो आसाराम को चेला है तो आसाराम ने जो कछु करो का दे क्या जनानी के संग में उनको बाबा करेगा। और सुने बाबा रैली बुढ़ापे में
बस होता है, अरे काम कुछ कर नहीं सकते, बस यही अफसोस होता है। ये कह रही है जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में जो सोता है, काम कुछ कर नहीं सकते, यही अफसोस होता है। यूं कह दूं भैया दो लाइन, बिल्कुल माना जवानी होता है, और गोपाल जी जवानी से भी ज्यादा और बुढ़ापे में जोश होता है, और काम तो वही करता है भैया जिसका सौदा ठोस होता है। अरे काम तो वही करता है जिसका सौदा ठोस होता है। देख बाबू को सौदा ठोस है, देख बाबू जोर आ रहे हैं। हवा डाला डाला कह रहे थे भैया, अरे कुसुमा देवी को भैया तुम्हें विजयी कराना होगा, यही तो बात है भैया। बिल्कुल प्रधान जी हाथ जोड़ के निवेदन होने फिर आओ मंच पे, तुम देखो तुम्हारा चेहरा दिखे जनता है, सही है ना भैया। हर नंबर पे जब हमारे प्रधान जी पैसा खर्च कर रहे हैं तो हर नंबर पर टुकड़ा होना चाहिए, और आप लोग इनका समर्थन देना चाहे तालियों का। ये प्रधानी को है चुनाव,
के नाम की जोरदार तालियां बजा करके हमारे प्रधान जी ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया।